नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तालाब में तब्दील हो चुका है शेख दहीर माधव रेती मार्ग। डीएम आवास से शेख दहीर जाने वाले मार्ग की हालत दयनीय, जिम्मेदारियां अधिकारियों की आंखों पर पड़ा पर्दा। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि लोगों को बेहतर सड़कें मुहैया कराई जाएं, बावजूद इसके शहर के डीएम आवास से कई गांव को जोड़ने वाला शेख दहीर के मुख्य मार्ग की हालत दयनीय है। आलम यह है कि सड़क पर भीषण गड्ढे हो गए हैं तथा घुटनों तक जलभराव बना हुआ है। ज्ञातव्य हो कि शहर के डीएम आवास के बगल से माधव रेती शेख दहीर मार्ग गुजरता है, जो कि कई गांव का मुख्य संपर्क मार्ग है। प्रतिदिन इस पर हजारों लोगों का आवागमन रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं और सड़क की हालत इस तरह दयनीय हो गई है कि इस पर चलना दूभर हो गया है। लोग प्रतिदिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बावजूद इसके न तो प्रशासनिक अधिकारियों को न ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस सड़क की दयनीय हालत पर तरस आता है। विभागीय अधिकारियों की हीला हवाली से पिछले एक वर्ष से सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी है, जिस पर कुछ क्षेत्रीय लोगों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर सड़क मरम्मत की मांग की थी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था, पर मामला ढाक के तीन पात ही रहा। न तो सड़क की मरम्मत हो पाई और न ही किसी अधिकारी ने उसको संज्ञान ही लिया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू न हुआ तो कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।